दोस्तों, फिर चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या फिर नित्यानंद के काल्पनिक देश के इलासा को यूएन की एक मीटिंग में जगह देना, बहुत ही नरम शब्दों में कहा जाए तो यूएन का रोल कंफ्यूजिंग ही दिखाई पड़ता है। और इसके पीछे उनके स्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी वजह है। इसी वजह से कई लोगों ने सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संगठन की आज के समय में कोई रेलेवेंस है भी या नहीं, और क्या यूएन एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूएन का स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते होंगे कि वहाँ इस वक्त 193 देश हैं जिनसे जनरल असेंबली बनती है, और फिर इनमें से 5 देश यानी यूके, फ्रांस, यूएस, रशिया और चाइना 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके अप्रूवल के बिना कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये सेटअप पहले से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यूके और फ्रांस जैसे देश आज उतनी बड़ी सुपरपावर नहीं है जैसे वो पहले हुआ करते थे, और बाकी 3 देश भी अपने फायदे के लिए कभी भी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करने से बाहर नहीं आते थे। यूं तो सिस्टम को ठीक करने के लिए कई सारे प्रपोजल्स दिए गए लेकिन उन पर कभी काम नहीं हो पाया। एक प्रपोजल ये था कि आज की दुनिया को देखते हुए इन परमानेंट मेंबर्स में ब्राजील, जर्मनी और भारत को भी शामिल कर लिया जाए, या फिर फ्रांस की सीट को हटाकर उसे यूरोपियन यूनियन की सीट बना दिया जाए। लेकिन कोई भी देश अपनी पावर खोना नहीं चाहता है, और इसी तरह के चेंजेस के लिए सभी 5 मेंबर्स की सहमति की जरूरत है। वैसे मजेदार बात तो ये है कि जिस वीटो पावर को इतना प्रॉब्लमेटिक बताया जाता है उसका जिक्र यूएन चार्टर में कहीं भी नहीं है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग वहां पर 2 तरह की वोटिंग होती है, जो यूएन की प्रोसीड्रल मैटर्स हैं, और उन पर 9 मेंबर्स के वोट्स की जरूरत होती है जिन पर सिर्फ 3 परमानेंट मेंबर्स को एग्री करने की जरूरत है, और बाकी किसी भी मेंबर का वोट काउंट किया जा सकता है। लेकिन बाकी सभी जो मैटर्स हैं उन पर वोटिंग का सिस्टम अलग है। ये मैटर्स किसी भी देश पर सैंक्शंस लगाने के हों या फिर युद्ध में इंटरवीन करने के, इन पर भी 9 मेंबर्स का वोट करना जरूरी है, लेकिन इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स को एग्री करना जरूरी है। और इसी वजह से अगर कोई देश वोटिंग से इनकार कर दे या फिर किसी रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दे तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। इसीलिए टेक्निकली तो यूएन चार्टर के हिसाब से वीटो पावर एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि यहाँ किस तरह से परमानेंट मेंबर्स अपनी दादागिरी चला सकते हैं। वैसे वीटो पावर तो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इन रेजोल्यूशंस के लिए 9 मेंबर के वोट चाहिए। तो टेक्निकली अगर 5 परमानेंट मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पर एग्री कर रहे हैं और बाकी के 188 देशों में से कोई उस पर एग्री ना करे तो तब भी वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सकता है। पर अब सवाल भी यही है कि क्या इन 5 देशों के हाथों में इतनी ज्यादा पावर देना ठीक बात है, और अगर नहीं तो इसका क्या सलूशन है। परमानेंट मेंबरशिप के पीछे अभी तक ये आर्गुमेंट दिया जाता रहा है कि अगर 5 मेंबर्स एग्री नहीं करेंगे तो दुनिया में शांति फैलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर किसी भी रेजोल्यूशन के बावजूद भी ये बड़े बड़े देश आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन ये लॉजिक बेहद ही बेतुका है जो कि हमें यूक्रेन क्राइसिस में दिख भी रहा है। रूस के खिलाफ जो भी रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जाती है उसे रूस वीटो कर देता है, और चीन उस वोट में हिस्सा नहीं लेता, जिस वजह से यूएन कुछ नहीं कर पाती। इसके अलावा कई बार ये सजेशन भी उछाला गया है कि क्यों ना रूस को ही इस सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर कर दिया जाए। तो उसमें परेशानी यह है कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब 193 देशों के बीच 2/3 मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पास हो। अगर ऐसा हो भी जाए तब भी एक दिक्कत है कि जब तक ये 5 परमानेंट मेंबर्स इस रेजोल्यूशन को अप्रूव नहीं कर सकते तब तक ऐसी कोई वोटिंग हो ही नहीं सकती। यानी कि बात घूम फिर कर हमेशा से फिर वहीं पे आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। और रूस भी इस वीटो पावर के इस्तेमाल में अकेला नहीं है बल्कि सभी मेंबर्स ने इसका खूब इस्तेमाल किया है। आज तक वीटो का इस्तेमाल 263 बार किया गया है जिसमें 213 रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुए। इनमें से रूस या सोवियत यूनियन ने इसका इस्तेमाल 120 बार किया है, यूएस ने 82 बार, यूके ने 29 बार, और फ्रांस और चीन ने 16-16 बार। वीटो के केसेस में बहुत ही ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स फंसी हैं जिनका सलूशन बहुत ही बायस तरीके से निकाला गया है। जैसे यूके और फ्रांस ने 1956 में वीटो का इस्तेमाल करके स्वेज कैनाल पर मिलिट्री कब्जा कर लिया था, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। फिर 70 के दशक में जब इजराइल और अरब देश जंग लड़ रहे थे तब इजराइल को सैंक्शन से बचाने के लिए यूएस ने वीटो का इस्तेमाल किया था। इसी टाइम पर ताइवान से लेकर यूएन की सीट चीन को दे दी गई थी और उसने बांग्लादेश की एंट्री को यूएस में रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश उस वक्त ताइवान को एक अलग देश मानता था जो कि चीन की एक नेशनल पॉलिसी के खिलाफ था। तो अब सवाल यह है कि क्या यूएन की कोई रेलेवेंस रह गई है। यूएन के खिलाफ आर्ग्यू करने वाले ये कहेंगे कि यूएन की कोई खास रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रस्ताव वहां पर पास हो भी जाता है तो यूएन के पास कोई रास्ता नहीं है उसे एनफोर्स करवाने का। अगर कल को यूएन रूस से कह भी देता है कि यूक्रेन वॉर को रोक दे
और अगर रूस उसे फिर भी ना रोके तो यूएन कुछ नहीं कर सकती। बाकी देशों को भी किसी तरह रूस को फोर्स करना पड़ेगा कि वो ऐसा ना करे, इसलिए यूएन का कोई खास मतलब नहीं है। वॉर को रुकवाने के लिए तो छोड़िए, यूएन में वीटो का इस्तेमाल ऐसी ऐसी चीजों के लिए हुआ है कि पूरा सिस्टम ही बायस लगता है। रूस ने अभी एक प्रस्ताव को वीटो किया था जो कि दुबास में हुए एक मलेशियन एयरलाइन के एक्सीडेंट की जांच करवाने के लिए था। इसके अलावा जब रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया तो उसके कंडेमनेशन को भी रूस ने वीटो कर दिया। और जब सीरिया में असाद के रजीम के खिलाफ 2011 और 12 में रेजोल्यूशन पास करके वहां हमला करने की बात अमेरिका ने की थी तो चीन और रूस ने उसे वीटो कर दिया था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी रवांडा में हुए नरसंहार को रिकॉग्नाइज करने से 90 के दशक में वीटो कर दिया था। ये सभी चीजें पांच मेंबर्स को यूएन में पावर तो देती हैं, लेकिन साथ ही जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ी एज देती हैं। अगर हम भारत का उदाहरण ले लें तो अगर भारत का कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है तो इसका मतलब है कि इन पांचों देशों को खुश रखना पड़ेगा और उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। लेकिन चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए भारत की आंख में मिर्च डालने के लिए चीन बार बार उसके दुश्मनों का साथ देता है और कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होने देता। यूएन के हक में भी कुछ बातें जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यूएन जैसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ कम से कम सभी देश मिलकर अपनी आवाज उठा सके। चाहे यूएन के पास आज के समय बहुत ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन वो फिर भी बाकी देशों के बीच में डिबेट और डिस्कशंस को प्रमोट करता है, जिसे एक अच्छे स्टेप की तरह देखा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ दें तो यूएन का ह्यूमन राइट्स और बाकी सेक्टर्स में जो काम है उसका इम्पैक्ट बहुत से देशों में देखा जा सकता है, और ये फिर से एक अच्छी चीज है। लोग मानते हैं कि अगर यूएन कुछ अच्छा ना भी कर रहा हो तो हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उसमें कुछ बुरा करने की ताकत भी नहीं है। इसके अलावा यूएन में भी कई सारे मेजर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स के अलावा बाकी देशों पर चेक रख सकते हैं, जैसे कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का हमला हुआ या फिर म्यांमार में मिलिट्री ने कब्जा कर लिया तो फिर यूएन ने इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने यहाँ नहीं आने दिया और उनकी परमिशंस को ब्लॉक कर दिया, जिससे मैसेज जाता है कि जो सरकारें वहां पर हैं वो इलीगल हैं और उनके साथ दुनिया इंटरेक्ट नहीं करना चाहती। यूएन के ऊपर अभी भी काफी डिबेट हो सकती है, लेकिन इस सबसे एक सेंट्रल क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो ये है कि क्या हम यूएन को पूरी तरह एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, या फिर अगर यूएन के चार्टर में कुछ सुधार हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर ये सुधार हो भी जाएंगे तो ये इसी तरह के होंगे कि वहां पर परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर परमानेंट मेंबर्स 5 की जगह 25 भी हो जाए तब भी तो बाकी देशों में वही प्रॉब्लम्स आएंगी। यूएन का जन्म एक अनफेयर सिस्टम के रूप में हुआ है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिर्फ सुपर पावर्स ने अपनी डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए बनाया था। अगर यूएन में वन नेशन वन वोट एंड एवरी वोट मैटर्स जैसे प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है तो फिर इस तरह की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या यूएन को रहना चाहिए या यूएन की जगह किसी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।